आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग कूलम्ब का प्रमेय के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब का प्रमेय। कूलम्ब्स थ्योरम। इसी को दूसरे रूप में कभी कभी पूछता है समतल आवेशित चालक। समतल आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र क्या पूछता है हमारा, कभी कभी समतल आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेन चार्ज्ड कंडक्टर इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समतल आवेशित चालक लेते हैं। ये हमारा समतल आवेशित चालक होगा। ये हमारा क्या है, समतल आवेशित चालक है। इसको हम लोग एस मान लेते हैं, समतल आवेशित चालक को। इसके नजदीक इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या फिर कूलम्ब का प्रमेय ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बेलन एबीसीडी एक बेलन क्या करते हैं हम लोग, एबीसीडी की कल्पना करते हैं। ये हमारा बिंदु P है। ये जो हमारा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA। यहां भी हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA। और ये हमारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, E। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां भी हमारा कितना होगा, dA। इस बेलन एबीसीडी के दोनों सिरों पर अब हम लोग विद्युतीय फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिरा
बेलन ए बी सी डी का सिरा ए बी से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बेलन जो हमारा ए बी सी डी है उसके सिरा ए बी से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाइ वन बराबर विद्युतीय फ्लक्स का हमारा परिभाषा दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो फाइ वन बराबर हमारा क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए। और कहता इसी प्रकार इसी प्रकार सिरा सी डी, सिरा क्या सी डी, सिरा सी डी से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाइ टू बराबर जीरो क्यों होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चालक होगा उसके भीतर किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो चालक के भीतर अगर तीव्रता शून्य कर दे तो विद्युतीय फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा जीरो। इसे नोट करें, अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो संपूर्ण बेलन ए बी सी डी से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, बेलन ए बी सी डी से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कुल में क्या करते हम लोग कि फाइ वन और फाइ टू को जोड़ देंगे तो कुल विद्युतीय फ्लक्स फाइ बराबर फाइ वन प्लस फाइ टू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइ बराबर फाइ वन हम लोग निकाले हैं ई डॉट डी ए और फाइ टू हमारा जीरो। इससे अगर हम लोग फाइ निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, फाइ बराबर ई डी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण एक, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण एक। अब हम लोग पीछे पर है गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स
उसके भीतर स्थित आवेश का एक बटा एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। बस का पर में हमारा क्या कहता है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। इसको हम लोग करेंगे समीकरण दो। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से करेंगे, इसे नोट करें। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण एक और समीकरण दो से। समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो दोनों का हमारा LHS बराबर है। समीकरण एक में हमारा phi बराबर E dot dA और समीकरण दो हमारा phi बराबर Q बटे epsilon zero है। LHS बराबर है, RHS हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं E dA बराबर Q बटे एप्सिलॉन जीरो। इतना हम लोग लिख सकते हैं, ईडीए बराबर Q बटे एप्सिलॉन जीरो। ये हमारा समीकरण एक और समीकरण दो से आया। अब हमारा आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से, आवेश का पृष्ठ घनत्व हमारा क्या कहता है कि यदि आवेश का संतत वितरण किसी सतह पर होता है तो आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिभाषा से हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे डी ए। इससे हम लोग क्यू का मान निकाले तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण होगा तीन। समीकरण तीन में हम लोग क्या करेंगे, क्यू का मान देंगे। समीकरण तीन में क्यू का मान देने पर, समीकरण तीन में हम लोग, यह हमारा समीकरण तीन है, इसमें हम लोग क्यू का मान देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई डी ए बराबर, यहां हमारा क्यू है, क्यू के हम लोग कह रहे हैं सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए बटे एप्सिलॉन जीरो। डीए से डीए हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ये जो निकल के आया यही हमारा क्या है, कूलंब का प्रमेय है। यह क्या है हमारा, यह कूलंब का प्रमेय है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता हमारा कि कूलंब का प्रमेय होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। या फिर पूछा जाता है कि समतल आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, इसको कूलम्ब का प्रमेय भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।